जहाज पे बहुत सारी दिक्कतें तब होती है जब ये मेरा तेरा शुरू होता है, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन एवी रिकॉर्डेड। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर फेसेस व्हेन ही इज ऑन बोर्ड शिप। गाइज, मैं पिछले 14 साल सेल कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का सेल किया है। सम हैव बीन रियली वेरी गुड एंड सम हैव बीन एवरेज एंड सम हैव बीन बिलो एवरेज एज वेल। तो जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे और या बहुत अच्छे थे, और जो एवरेज या बिलो एवरेज थे, उनके बीच में एक डिफरेंस है, तो लैक ऑफ नॉलेज थी। लैक ऑफ नॉलेज कैसे, उनको अपना काम ही अच्छे से नहीं आता था। तो जब काम अच्छे से नहीं आएगा तो इज्जत नहीं मिलेगी भाई, जय माता दी है। और इज्जत नहीं मिलेगी तो टफ टाइम देखोगे, कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाएगा, फिर वक्त काटना जहाज पे बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड थिंग, उन लोगों की अच्छी ये थी कि दे वर नॉट जस्ट वेरी गुड विद इलेक्ट्रिकल पार्ट, कि दे कुड रीड देर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स, दे कुड ट्रबल शूट एन इशू विद रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनी वेयर एंड एनी टाइम। दे वर वेरी प्रोएक्टिव विद देयर जॉब, ऑलवेज विद अ स्माइल वर्किंग, मेकिंग इशूज क्लियर, जय माता दी, बत्ती साहब हर जगह और है। बट सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड अबाउट देम वॉज दैट दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद थर्ड इंजीनियर और सेकेंड इंजीनियर और इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एज वेल, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम अबाउट डिफरेंट मशीनरीज, कि हाउ डज द मेन इंजन वर्क। तो मेन इंजन के ऊपर से जैकेट वाटर हाई टेम्परेचर सेंसर इज फिटेड, देन व्हाई इज इट फिटेड। सो दोज व्हाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, दे नो हाउ डज अ टेम्परेचर सेंसर वर्क और अ टेम्परेचर ट्रिप वर्क्स आउट देयर, बट व्हाई इज इट फिटेड ओवर देयर, दे डू नॉट नो दैट। सेम गोज फॉर जनरेटर, इवन ऑन प्यूरीफायर्स और कंप्रेसर्स। बट वेन दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद दिस इंजीनियर्स, दे ट्राई टू लर्न द इंट्रीकेसेस ऑफ दिस मशीनरीज एज वेल, कि भैया ये कंप्रेसर कैसे काम करता है और ये कैसे काम करता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हाउ डज इट हेल्प। सो से लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ फोर्थ इंजीनियर इज वर्किंग ऑन अ कंप्रेसर, द कंप्रेसर इज नॉट स्टार्टिंग ड्यू टू सम रीजंस एक्स वाई जेड, राइट। ही कम्स एंड टेल्स अ सेकंड इंजीनियर, नो सेकंड इंजीनियर इज नॉट अ गुड सेकंड इंजीनियर, ही डज नॉट नो हिज वर्क, एंड ही स्ट्रेट अवे सेज, बत्ती साहब ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। जहाज पे बहुत सारी दिक्कतें तब होती है जब ये मेरा तेरा शुरू होता है, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। और ये ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनको अपना काम नहीं आता, आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट। सो प्लीज डोंट एवर डू दैट इन लाइफ, कि ये तेरा है, ये तुम्हारा है, मैं नहीं जानता, ये मेरा नहीं। हम जहाज पे 20-22 लोग हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, वी कांट से दैट। सो जहाज पे जब आप जाते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल को तो अच्छा करना ही करना है, साथ में थोड़ा ध्यान मैकेनिकल की तरफ भी दीजिएगा, कि ये मशीनरी कैसे काम करती है, इस मशीनरी में क्या दिक्कत है, ये मशीनरी कैसे सॉल्व। तो आप देखेंगे कि आप जहाज पे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन जाएंगे और एक बहुत मान सम्मान पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स को भी भेजिए जो कि आज के दिन में सेल कर रहे हैं, शायद वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ और बता पाएँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो सही है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।